जेएनके में सबसे बड़ा जो इशू है वो है कि पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट स्टूडेंट्स को डिपेंड रहना पड़ता है गवर्नमेंट जॉब के ऊपर, जो कि सबसे बड़ा इशू है। दिल्ली में देखता हूँ कि बच्चों के पास टीचिंग के सिवाय और भी बड़े सारे ऑप्शंस हैं, वो इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं या अपना खुद का वेंचर को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बट हमारी स्टेट में ड्यू टू आर्टिकल 370 की वजह से जो हर्डल्स थी कि आप अपनी कोई बाहर का कोई जो है कोई भी पर्सन आके यहाँ पर लैंड परचेस नहीं कर सकता था या अपनी कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं कर पाता था, तो उसकी वजह से जो बच्चे थे जो प्रोफेशनल कोर्सेज में, चाहे MCA है, MBA है, MTech है, तो वो लोग टोटली डिपेंडेंट थे गवर्नमेंट जॉब के ऊपर। तो गवर्नमेंट जॉब जिनको नहीं मिलती थी वो बच्चे बहुत सफ़र करते थे, और खासकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वुमेन्स को आती थी। फैमिली वाले उनको अलाउ नहीं करते थे कि वो आउटसाइड द स्टेट जाएं और जॉब करें। तो मैं सोचता हूं कि जो 70 साल का मसला था 370 का, इसको गवर्नमेंट ने दूर किया, और इससे प्रोफेशनल कोर्सेज वाले बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा। किस तरह से बेनिफिट होगा कि अगर अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है तो दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट दे ओन बिजनेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनिशिएटिव्स है स्टार्टअप्स का, अगर वो चाहें तो अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। सो दूसरा जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं ये समझता हूँ कि लैंड एक्ट का। लैंड पहले क्या होता था कि कोई भी कंपनी जब जम्मू में आती थी तो उनको लैंड परचेस नहीं कर पाते थे, बट विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड NGO वो आके यहाँ पर लैंड परचेस कर सकते हैं और अपना बिजनेस जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे POK की, बेस्ट रिफ्यूजीज़ की, उन लोगों को भी डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं थे जिसकी वजह से वो लोग वोटिंग कर पाएँ या गवर्नमेंट जॉब्स में वो लोग आ सकें, तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प आएगी इस 370 के रिमूवल से। धीरे धीरे चीज़ों को अडॉप्ट करने में हम लोगों को परेशानी आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमें बहुत बेनिफिट होगा इस चीज़ का। हम लोग जब दिल्ली में जाते थे तो हमेशा हमसे यही पूछा जाता था कि भाई ये आर्टिकल 370 और 35 है क्या एक्चुअल में। लोगों को इसका क्लियरली पता नहीं था कि ये बेसिकली लोगों को डेमोक्रेटिक राइट से अलग किया जा रहा था। कोई भी जब लोकसभा या राज्यसभा कोई भी कानून पास करती थी तो स्टेट में आके पहले असेंबली इसको सोचती थी कि क्या हम लोग इसको पास करें या ना करें अपनी पॉलिटिकल वेदनता के लिए। तो वो चीज़ भी, वो भी हर्डल इस हमारे प्रोसेस से जो है रिमूव हो जाएगी। अब जो भी सेंटर का लॉ एंड ऑर्डर होगा वो यहाँ पे पास होगा, जो भी सेंटर की स्कीम्स होगी वो डायरेक्टली इस्टेब्लिश होंगी। तो मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट ये है, मैं ये सोचता हूँ कि स्पेशली यूथ के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप अपने आप को मॉरली बूस्ट करिए, अपने आप को अच्छी तरह से प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल कीजिए, और उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। गवर्नमेंट जॉब तो है ही है, गवर्नमेंट ने ही प्रॉमिस किया है कि 50 लाख जो जॉब्स हम लोग क्रिएट करेंगे जिसमें यूथ को बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बट इंस्पाइट ऑफ दैट आप लोग अपना खुद का भी कैरियर जो है वो इंडस्ट्रीज में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट बूम फॉर द जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख पीपल।